अंग्रेजी गिट पिट से न चाइना के मोबाइल से। अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार लव इन गुलशन है बिहार। अरे खट्टा मीठा मजेदार लव इन गुलशन है बिहार। हमरा भी बड़ा ख्वाहिश था कि मुन्नी और बाबू का शादी हो जाए। काहे तुम बात की खाला से? अरे का बोलते, हमरा बोलने से पहले वो बोली कि हम तो अपना बाबू का शादी ऊंचे खानदान में करेंगे, जहाँ से दहेज आएगा, गाड़ी बंगला पैसा रुपया बहू के साथ साथ आएगा। फूल, हमरे फूल को जाके कह दो कि ई फूल ने ओ फूल को ई फूल भेजा है। बुढ़ापे में ऐसा बात काहे कर रहे हो आप? अरे बूढ़े हो हमारे दुश्मन, ऐसा कोई बात ना है। बूढ़े बूढ़े नहीं हुए, ना तुम बूढ़ी हुई ना हम बूढ़े हुए, ऐसा बस ज़ईफ हो गए थोड़े से। अरे भाई अभी हम जवान हैं, दिल जवान होना चाहिए। हाँ मेरी हसीने गुलबदन माँ जेबी, मेरी फूलों की मलका, तारों की रानी, तुम्हारे पीछे लुटा दी हमने जिंदगानी। अरे छोड़िए नहीं हाथ हमरा। जिंदगानी तुम्हारा प्यार में हम शायर हो गए। इतना तारीफ काहे को कर रहे हैं आप? अरे आप तारीफ के काबिल हैं तभी तो तारीफ कर रहे हैं। ऐसी हसीन और प्यारी बीवी किस्मत वाले को मिलती है। बहुत शुक्रिया। अरे वाह औरत, तो कितना बेवकूफ है, जरा सा तारीफ कर दो और कदमों में आ जाती। आज तो बहुत ही सो लिया, हम घाटा हो गया है, घाट ही बन। अरे इतना मिस कॉल हमको कौन दे दिया भाई? अरे बाप रे बाप, ये तो मुन्नी का मिस कॉल है, इतना ज्यादा मिस कॉल दिया हमको। अरे बाप रे बाप, अब तो नाराज हो जाएगी वो, क्योंकि चार मैसेज भी किए हैं हमको। कहा करते हैं मम्मी, रात में जिस वक्त तुम हमको फोन कर रही थी, हम मम्मी अब्बा के साथ बैठे थे, हालात भी ठीक नहीं थे, बात नहीं कर सकते थे तुमसे। अब क्या करें, चलो मना लेंगे तुमको। ये वैसे भी जो सीधा सीधा मोहब्बत होता है ना, इसमें इंसान बोर हो जाता है। एक तो फूल लेके तुम्हारे घर पे पहुंचेंगे तो तुम खुश हो जाओगी। हाँ इधर हम इस कॉल करके देखें इसको। अरे भैया हमको लगता है बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई हैं। चलो मना लेंगे तुमका, घर आते हैं तुम्हारे हम फूल लेकर, मान जाओगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप बाबू भैया, उनका घर पे आप फूल को लेकर जाएंगे तो उनका अम्मा चप्पल उतार के हमको मार मार के गंजा नहीं कर देंगे का? भैया और तरकीब लड़ाना पड़ेगा, अभी क्या करें, एक बार और करके देखते हैं, हो सकता है नाराजगी इस कॉल पे खत्म हो जाए। अरे मुन्नी उठाए लियो फोन, अब नहीं आ सकते हैं तो हार संग
गब फूल लेके तुम्हारे घर आएंगे तो तुम्हारे अम्मा हमें मार मार के ऐसा का तैसी कर देंगे। अरे उठाओ भैया। बाबा ये उठा तो यहाँ उठा तो यहाँ उठा तो साबर बच्चा साबर चलो जाओ। थैंक यू। सीधे घर जाना, बस स्टॉप पर रुक जाना। सलाम बद्रू भैया। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हो? हम ठीक हैं। काम से आ रही हो का? अरे नहीं भैया, आज हम काम पे गए ही नहीं, वो हम सब्जी लेने गए थे ना। अच्छा अच्छा, आज कहाँ पका रही हो? भैया हम करेले का भुजिया बनाएंगे, बहुत दिन से दिल कर रहा था। आहा, करेले का भुजिया हमको बहुत अच्छा लगता है। उस समूह तो कहते हम पकाएंगे ना, बहुत मेहनत लगती है। कभी कहते उसको काटना पड़ता है, उसको छीलना पड़ता है। अरे ठीक ही तो कहती हैं भैया, इसमें बहुत मेहनत लगता है ने, और वो बाहर का भी तो काम करती है ना, थक जाती होंगी। वो भैंसा थक जाती, कहाँ बात कर रही हो तुम, पागल तो ना हो गई हो? वो क्या थकेगी भाई? अरे भैया ऐसे काहे को बोल रहे हैं, हमारी सम्मो बहुत अच्छी है, वो आपका कितना ख्याल रखती है। वो तो है, वो हम तो मजाक कर रहे थे। अच्छा वो हम जा रहे हैं, वो भुजिया भेज देना, भूलिएगा वो घर पे। अरे हम बिल्कुल भेज देंगे भुजिया, आप फिक्र मत कीजिए। चलो ठीक है। सलाम। वालेकुम सलाम। हमका बाबू का फोन उठा लेना चाहिए था, कितना मिस कॉल मारे रहे, पर नहीं, हम काहे उठाए? वो उठाए थे, लेकिन ई भी तो हो सकता है कि वो अपनी अम्मा के पास बैठे रहे। मगर नहीं, पूरा रात गुजर गया, एक बार तो फोन कर ही सकते थे ने? ना ही उठाएंगे हम। बाबू फोन कर रहे हैं, पर अम्मा भी घर पे है और सन्नो भी, कैसे उठाए रहे? अभी हम फोन ना ही उठा सकते हैं, और काहे उठाएं? आप किए थे हमका फोन और बंद करके रख दिए थे। माफ कर दो जान, हम कल बहुत परेशान थे, अम्मा अब्बा का झगड़ा हुआ था, अब्बा घर छोड़ के जा रहे थे। हाय अल्लाह, तो आप हमको बताए क्यों नहीं रहे? अब का हाल है खालू का? मान गए? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हो गया है। तुम इसी तरह रूठी रहोगे तो हम तुमको मनाने के लिए आएंगे, फूल भी लेके आएंगे। कैसा बातें कर रहे हैं, जबरदस्ती का नाराज हो जाएंगे का? इसे फूल लेकर आ जाएंगे तुम्हारे लिए, अपना फूल के लिए बहुत सारा फूल खरीद के लाएंगे। अच्छा
जाती है। बहुत बेशरम है आप। लो भाई, जब पास ही नहीं है तो हटे कैसे? हाँ, ए मुन्नी, अम्मा बुला रही है, बाद में बात करेंगे हम। अरे अम्मा, हम आपको कह दिया था ना कि हम अभी शादी नहीं करना चाहते, काहे लड़की ढूंढ रहे हैं हमारे लिए? तो क्या बुड्ढा होकर शादी करेगा? अरे अम्मा, बुड्ढा होकर शादी नहीं करूंगा, जब दिल करेगा तो कर लूंगा, आपको बता देंगे। और एक बात और, जब हम शादी करेंगे अपना पसंद की लड़की से करेंगे, आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है। लड़की हम ढूंढ देंगे, आप हमारा शादी करा दीजिएगा बस। अरे बाबू, बिल्कुल आपने बाप पर गया, बेटे के सामने भी तुम्हारा वैल्यू ना है। इलो अम्मा चाय। भैया के लिए सब्जी निकाल लिए थे का? हाँ माँ, वो भुजिया हम निकाल दिए थे, अब उको देखे कौन आएगा। हमरा तो बिल्कुल जी नहीं कर रहा वहाँ जाने का। मुन्नी को भेज देना है। मुन्नी तो एकदम नहीं जाएंगी हुआ। अब अम्मा, हम तो पहले खाला के घर नहीं जाते ने, अब कौन देके आएगा ये भुजिया? हम चाय पी लें, फिर बाहर गली में देखते हैं, कोई लड़का नजर आएगा तो उसका भेज देंगे। एक बात बोले अम्मा, ये रिश्ता इतना आसानी से खत्म नहीं होगा, इतना पुराना दोस्त है आप लोगों के लिए। कहती तो आप ठीक है सनो, पर हमरा जरा दिल खराब है ना, इसलिए अब शादी ब्याह तो नसीब का खेल है ना। मुन्नी का जहां जोड़ा लिखा होगा वहां शादी होगा ही होगा। बस बाबू अच्छा लड़का था, इसलिए हमारा दिल मचल जाता है। अगर सम्मो चाहती ना तो ये शादी हो सकती थी। छोड़िए ने मां, दफा कीजिए। सनो, तुम काहे इधर दरवाजे पर खड़ी हो? हम आपका इंतजार कर रहे थे ने। हमरा इंतजार पर काहे? रुकिए, हम आते हैं। है? अरे ये लीजिए बाबू भैया। अम्मा हमको बोल के गई थी कि सालन भिजा देना खाला के लिए, वही है। अरे इतना सा बात, हम समझे को बहुत जरूरी बात है, हम दे देंगे। क्या बात है बॉस, किसका इंतजार हो रहा है? यार थी एक पटाखा यार, पहले ही नजर में दिल ले गई यार। अबे तेरा दिल तो रोजाना कोई ना कोई ले आती है, कोई नई बात कर भाई,
ओ नहीं यार, इस बार तो सचमुच दिल गया। अबे नहीं सच्ची। ओ तेरी कसम, वो ऐसी खूबसूरत हसीन और उस पर उसकी अदाएं यार, वो तेरे भाई को तो घास ही नहीं डाली उसने यार। वो तुझे तो पता है ना भाई, रोजाना 2-4-5 आती हैं, वो 10-20 के बैलेंस पे जाने को तैयार हो जाती है डेट पे। और यार उसने तो तेरे भाई के मोबाइल की ऑफर तक ठुकरा दी यार। अबे नहीं सच्ची, मोबाइल भी नहीं लिया। हाँ यार, वो तभी तो तेरा भाई की नजरें उसको ढूंढ रही हैं यार। आखिर ठीक कौन? ओ यार यही तो नहीं पता यार, काश मैं उसके पीछे चला जाता यार। लेकिन यार मुझे लगता है वो इसी मोहल्ले की है यार। अबे इसी मोहल्ले की थी तो टेंशन क्यों ले रहा है, आ जाएगी तेरे पास फिर दोबारा। इतनी बड़ी तेरी मोबाइल की शॉप है, इजी लोड डलाता है। और वैसे भी आजकल हर लड़की के पास मोबाइल है बॉस, क्रेडिट डलवाने उस्ताद यही आएगी लोड कराने। यार लेकिन उसके पास तो मोबाइल था ही नहीं, इसीलिए तो मोबाइल का पूछ रही थी, वो शायद खरीदना चाहती थी यार। मोबाइल नहीं था तो फिक्र क्यों करता है यार, अपन जब रोजाना दुकान बंद करेंगे ना तो चलेंगे इस मोहल्ले में, अब मैं किसी ना किसी गली में बालकोनी में खड़ी तुझे नजर आ जाएगी। समझ तेरा काम हो गया, तेरा भाई है ना तेरे साथ। ओ नहीं यार, क्या बात है यार, क्या बात है। चल अभी तो दुकान में आया यार, अभी आ, चल, अभी चल, चल, काम करने हैं, बड़े काम करने हैं। ये भी ले लिया। ये नए वाले डब्बे हैं, चेक कर यार। तौबा तौबा, कितना ऊंचा टीवी लगाते हैं हम, कहा बोले आपको, आपको तो टीवी देखने के अलावा कोई काम ही नहीं है। है ना, आपकी तारीफ करना, आपको देखना, आपसे पार करना, वो पंजाबी में क्या करते हैं, तरले उरले करना, ये हमारा काम है ना। जाइए ना, ऐसा फालतू का मजाक काहे करते हैं इसे। अरे बैठो सही, देखो कैसा रोमांटिक फिल्म चल रहा है, देखो ना। रहने दीजिए ना। वाह क्या गाना है। तुम्हें प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जो आए तेरे बाजू में आऊं। ये तो एक तुम्हारा जो शर्मान है ना, हमारा जान ले लेता कसम से। जवान बेटा का बाप है, आप सोचिए अगर देख लेगा क्या सोचेगा। अरे भाई वो तो अभी ऑफिस में, वो कहाँ आएगा भाई। अब एक मिनट, अल्लाह ना बुखार तो ना है उसको, बुखार तो ना। हाँ वो रोशन खाना आपके लिए करेला का भाजी भेजे। अरे हाँ हम तो कहना भूल ही गए थे भाई, वो गली में हमको मिली थी, कहने लगी करेला का भाजी तुम्हारे लिए भेजेंगे हम। अच्छा वो हमको याद आ गया भाई। दे दीजिए, अभी हम खाना लगाएंगे तो लगा देंगे आपको। चाहिए आप कपड़े बदलिए। अरे वाह रोशन, क्या खाना बनाती है, खा के मजा आ गया, जी चाहता है कि उंगलियां चाटते रह जाओ। रोशन सारी जिंदगी रंग बिरंगा खाना बनाती है, बहुत शौक है उसको। और तुम्हारा शौक भी हमको पता है, मुँह पे लेपा पोती करना बस और कुछ ना। अरे लेपा पोती भी तो आपके लिए करते हैं, पड़ोसियों के लिए थोड़ी ना करते। मजाक कर रहे हैं, तुम्हारे में सेंस ऑफ ह्यूमर ना है, बात करती है। अरे अब्बा काहे तंग कर रहे हैं अम्मा को, ना ही तंग कीजिए, हमारी अम्मा बहुत अच्छी है। तो क्या पड़ोस की अम्मा को छेड़े हैं? बड़ा अम्मा का चमचा आया, समझ गए हम, ये तुम्हारे लिए जो है ना चांसी दुल्हन देख रही है ना, इसलिए इसका मस्का लगा रहे हो तुम। दुल्हन हमरे लिए काहे? ना हमरे लिए ढूंढ रहे हैं, बात करता है। अरे अम्मा हम आपको कह दिया था ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, काहे लड़की ढूंढ रहे हैं हमारे लिए? अरे शादी थोड़ी ना कर रहे हैं अभी, अभी तो दुल्हन ढूंढ रहे हैं, ढूंढने में टाइम लगता है ना। ना ही ढूंढिए, हम कह रहे हैं आपसे। तो क्या बुड्ढा होकर शादी करेगा? अरे अम्मा बुड्ढा होकर शादी नहीं करूंगा, जब दिल करेगा तो कर लूंगा, आपको बता देंगे। और एक बात और, जब हम शादी करेंगे अपना पसंद की लड़की से करेंगे, आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है, लड़की हम ढूंढ देंगे, आप हमारा शादी करा दीजिएगा बस। इग्या। अरे बाबू बिल्कुल आपने बाप पर गया, बेटे के सामने भी तुम्हारा वैल्यू ना है। शर्म तो नहीं आता, हिजरा के पार्टी को ज्वाइन कर ले, हमको मत तंग कीजिए। बेटा भी तुम्हारा बात भी सुनता। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। तो बात तो आप ही शुरू किए ना, वैसे वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब आप हमको
एजी ओजी करके बात कीजिएगा। हाँ। अच्छा वो कैसे? वो इस तरह कि आज हम अम्मा से कह दिए हैं कि हम अपना पसंद से शादी करेंगे, और जब अम्मा हमसे पूछेंगे कि वो लड़की कौन है तो हम फट से तुम्हारा नाम ले लेंगे। हाँ? ये बात नहीं है बदरुद्दीन साहब, आजकल के लड़कियां लोग बहुत तेज हैं, अपने जाल में फांस ना ले बाबू को। ना अंग्रेजी गिट पिट से, ना चाइना के मोबाइल से, अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से, अरे खट्टा मीठा मजेदार लव इन गुलशन ए बिहार, अरे खट्टा मीठा मजेदार लव इन गुलशन ए बिहार।